आपने इस महफिल इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया और उसको मुनक़िद किया। एक छोटी सी कोशिश है, ये समझिए सूरज को चिराग दिखाने के माने मैंने एक नज़्म लिखी है, आप सुने। यहाँ पर कोशिश है, सर सैयद खां के ताल्लुक से एक बार नहीं, मैंने पढ़ा था उसको, उन्होंने कहा था एक बात कि जिस ज़माने में जिस ज़बान का उरूज हो उस ज़बान को तरजीह देना चाहिए। और हिंदुस्तान में मॉडर्न एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में मुसलमानों की जो कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है सर सैयद अहमद खान का, कहीं से उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जहाँ कोशिश की है, एक कोशिश है, है जिसका कौम मिल्लत पे वतन पे एक बड़ा एहसान, है जिसका कौम मिल्लत पे वतन पे एक बड़ा एहसान, वो सर सैयद थे अहमद खान। मुबारक हो है उनकी यौम पैदाइश। 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए थे, आज वही है 17 अक्टूबर। मुबारक हो है उनकी यौम पैदाइश, खुशी में आज दुनिया है अपना आज हिंदुस्तान। मुबारक हो है उनकी यौम पैदाइश, खुशी में आज दुनिया है अपना आज हिंदुस्तान। वो सर सैयद थे अहमद खान। अलीगढ़ इल्म का मरकज़ बना उनकी बदौलत से। यही है एक ख़ज़ाना भी यही हम सब की दौलत है। नई तालीम के बानी मुफक्किर थे बड़े ज्ञानी। है उनकी काविशों का फल अलीगढ़ की है ये शोहरत। अलीगढ़ की है शोहरत है जो मिल्लत के मसीहा थे, है जिस पे फख्र सबको शान। वो सर सैयद थे अहमद खान। मुसीबत और परेशानी हर एक इल्ज़ाम को सहके, कदम था राह हक पे इसलिए हरगिज नहीं भटके। पढ़ाओ अपने बच्चों को ये असरी हाँ ये अंग्रेज़ी, ज़रूरत इल्म की है, इल्म की बिछड़े हमें कहके, ज़रूरत इल्म की है, इल्म की बिछड़े हमें कहके। नई इस नस्ल में तालीम की डाली है जिसने जान। वो सर सैयद थे अहमद खान। बहुत खूब, बहुत अच्छा, अलहमदुलिल्लाह।